हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल O2N डिजिटल एजुकेशन में। मैं आपका मैथ्स टीचर ललित कुमार। आज हम लेकर आए हैं क्लास 12th मैथ्स चैप्टर 7 इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज 7.5। हाँ जी, इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज 7.5। इससे पहले हमने इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज 7.1, 7.2, 7.3 एंड 7.4 कंप्लीट कर चुके हैं बेटा। 7.1 जो थी वो थी इंटीग्रेशन बाय इंस्पेक्शन मेथड, 7.2 थी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, और 7.3 जो एक्सरसाइज थी वो थी आपकी इंटीग्रेशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 7.4, इसमें हमने जो आइडेंटिटी या प्रॉपर्टीज यूज की थी वो थी सम पर्टिकुलर फंक्शंस, इंटीग्रेशन बाय सम पर्टिकुलर फंक्शंस। जिन्होंने हमारी ये वीडियोज नहीं देखी है तो हमारे चैनल O2N डिजिटल एजुकेशन पर जाइए, वहां डिस्क्रिप्शन में जाकर के बेटा लिंक देखना है, प्लेलिस्ट में आपको ललित सर की वीडियोज मिल जाएंगी, तो वहां जाकर के पहले उन वीडियोज को देखिए, तब आपकी समझ में आएगी एक्सरसाइज 7.5 कि किस तरह से हमें इस एक्सरसाइज को करना है। इसमें आपके जो 7.1, 7.2, 7.3 और 7.4 में यूज होने वाले जो जितने भी कॉन्सेप्ट थे रिलेटेड टू इंटीग्रेशन, वो सारे के सारे यूज होने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 7.1 पार्ट 1, जिसमें हम क्या है बेटा, किसी फंक्शन का जो इंटीग्रेशन करेंगे वो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से करेंगे। किससे करेंगे? पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से। तो अब से पहले क्या था कि एक अलग से ही चैप्टर हुआ करता था पार्शियल फ्रैक्शन, जहां हम किसी फंक्शंस के, किसी रेशनल फंक्शंस को पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करके वहां पर उसको ब्रेक कर देते थे, उसके बाद हम क्या करेंगे उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो आइए देखते हैं कुछ कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन तो यहाँ पे आपको पार्शियल फ्रैक्शन के जो बेटा कौन कौन से फॉर्म या कौन कौन से कॉन्सेप्ट देखने के लिए मिलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यदि आपका 1/(x-a)(x-b) फॉर्म है, x-a)(x-b) फॉर्म है यदि आपकी, तो इसको किस तरह से हम ब्रेक करेंगे? इसको ब्रेक करेंगे बेटा a/(x-a)+b/(x-b)। तो यहाँ पे क्या है, यदि आपके जो फैक्टर्स हैं ये नीचे डेनोमिनेटर में, यदि ये बेटा आपके लीनियर फैक्टर्स हैं, कैसे फैक्टर्स हैं? लीनियर फैक्टर्स हैं। तो a/(1)+b/(b)। सपोज दैट यहाँ पे x-cb होता तो उस केस में हम क्या करते बेटा, c/(x-c)d/(x-d) इस तरह से हम उसको आगे एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, बात करते हैं सेकंड टाइप्स ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। यहाँ पे क्या है, यदि आपका x/(x-a) है और दूसरा ब्रैकेट है x-b² ओके बेटा, तो यहाँ इसको हम किस तरह से पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करते हैं, a/(x-a)+(b/(x-b)+(c/(x-b)² ओके बेटा। सपोज दैट ये होता आपका x-b³, तो फिर हम क्या करते बेटा, d/(x-b³³ ओके, इस तरह से, जैसे यहाँ x-b² और जब तक उसकी हमें हाईएस्ट पावर नहीं मिल जाती, हम उसके साथ एक 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 कांस्टेंट ऐड करते रहते हैं। नेक्स्ट थर्ड टाइप्स की जो फ्रैक्शन है वो रहेगी आपकी 1/(x-a)(x²+b) ओके बेटा। तो इसमें क्या करेंगे, इसका तो वही कॉन्सेप्ट है, लीनियर फैक्टर है आपका, तो 1/(a/(x-a)+ जहां पे आपका क्वाड्रेटिक फैक्टर होता है, कैसा फैक्टर होता है बेटा, क्वाड्रेटिक, तो यहाँ क्या करेंगे हम bx+c लेंगे, क्या लेंगे बेटा, bx+c लेंगे, और ये आपका x²+b इस तरह से। क्वाड्रेटिक फैक्टर में हमें bx+c यानी कि एक साथ दो हमें कॉन्स्टेंट लेने होते हैं। यदि इसी में इस टाइप का क्वेश्चन आपका आ जाता है
कि 1 अपॉन x माइनस a का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का प्लस b का स्क्वायर। तो इस तरह के केस में क्या करेंगे बेटा, ये आपका a अपॉन x माइनस a प्लस b अपॉन x माइनस a का होल स्क्वायर, x माइनस a का होल स्क्वायर। तो ये बेटा इस तरह से जैसे x माइनस b, x माइनस b, x माइनस b का क्यूब, जैसे वहां पे पावर इंक्रीज हुई है उसी तरह से हमने यहाँ पर कांस्टेंट इंक्रीज किए हैं। और ये आपका आ जाता है क्वाड्रेटिक पॉलीनोम, क्वाड्रेटिक फैक्टर, जिसको हम लेंगे सी एक्स प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर, और लास्ट में रहेगा बेटा ई एक्स प्लस एफ अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर। और यहाँ पे बेटा पावर नहीं रहेगी, यहाँ पे पावर नहीं रहेगी। तो ये इस तरह से, आई होप कि बेटा आपने समझा होगा कि किस तरह से पार्शियल फ्रैक्शंस की हमें फॉर्म मिल सकती है। तो उनको हम इन मेथड से, पार्शियल फ्रैक्शंस के ये कुछ मेथड्स हैं जिसकी तरह से हम उनको ब्रेक करेंगे। तो आइए देखते हैं हम अपनी एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 7.5, एक्सरसाइज 7.5 जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको इस रेशनल फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, इट मींस इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 dx। ओके बेटा, इसको आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो हम क्या करेंगे, लेट x अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। ओके बेटा, ये एक रेशनल फंक्शन है जिसमें आप देखिए ऊपर x की पावर a 1 है, और नीचे यदि मैं इन फैक्टर्स की मल्टीप्लाई करता हूं तो 1 एंड 1 आपका मल्टीप्लाई में एक्सपोनेंट ऐड हो जाती है, यानी कि एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। कैसी है बेटा, एक प्रॉपर रेशनल फंक्शन है ये। तो हम इसे क्या करेंगे, और आपके जो फैक्टर्स हैं ये आपके लीनियर फैक्टर्स हैं, इट मीन्स ए अपॉन वन फैक्टर वन एक्स प्लस 1 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 2, बी अपॉन एक्स प्लस 2। तो यहाँ क्या करेंगे बेटा, हम एलसीएम ले लेंगे एक्स अपॉन, यहाँ तो आपका एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 है ही, इज इक्वल टू यहाँ हमने बेटा एक्स प्लस 1 और x प्लस 2 हमने लिया एलसीएम, x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल, तो a के साथ मल्टीप्लाई में आपका आ जाएगा बेटा x प्लस 2 प्लस x प्लस 2 से x प्लस कैंसिल, और b के साथ आपका आ जाएगा बेटा x प्लस 1। ओके, यहाँ आपका x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, बट आपको ऐसे कैंसिल नहीं करना है, आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखना है बेटा, ये वाला पार्ट लेफ्ट हैंड की तरफ करना है और ये वाला पार्ट करना है आपको राइट हैंड की तरफ। तो ये मल्टीप्लाई साथ के साथ कर देंगे, ये आपका हो जाएगा बेटा ए एक्स प्लस 2a प्लस बी एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स। ओके बेटा, थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, आप ये वाली टर्म देखिए ए एक्स और बी एक्स। ओके बेटा, यहाँ पे हमारा x कॉमन है, तो हमने क्या किया a प्लस बी x आ जाता है यहाँ पे कॉमन, प्लस आपका 2a प्लस बी, ये आपकी हो जाती है बेटा कांस्टेंट टर्म, विच इज इक्वल टू एक्स। ओके, अब हमें क्या है, जैसे कि हमने कुछ एक्सरसाइज 7.4 में किया था, तो 7.4 में क्या किया था बेटा, हमने वहां a और b की कंपेयरिंग करके वैल्यू फाइंड की थी, तो यही काम हमें यहां करना है। तो हम करेंगे बेटा कंपेयरिंग विद, कंपेयरिंग विद कोफिशियंट ऑफ, कंपेयरिंग विद कोफिशियंट ऑफ एक्स। ओके बेटा, जब हम एक्स की कंपेयरिंग करेंगे तो यहाँ एक्स का जो कोफिशियंट है वो हमें मिल गया ए प्लस बी, क्या मिल गया जी, ए प्लस बी इज इक्वल टू, और यहाँ एक्स का कोफिशियंट है 1, ए प्लस बी इज इक्वल टू 1, ये आपकी कोई इक्वेशन फर्स्ट आ गई। नेक्स्ट हम कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग विद कोफिशियंट ऑफ, कंपेयरिंग विद कोफिशियंट ऑफ कांस्टेंट टर्म, कोफिशियंट ऑफ कांस्टेंट टर्म। ओके बेटा, तो यहां पे कांस्टेंट टर्म है आपकी 2a प्लस बी, 2a प्लस
बी इज इक्वल टू, और यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म है आपकी जीरो, यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म होगी जीरो जिसको हमने लेट कर लिया इक्वेशन सेकेंड। अब हमारे पास टू लीनियर इक्वेशन है बेटा, एक तो है आपकी ए प्लस बी इज इक्वल टू वन इक्वेशन फर्स्ट, और टू ए प्लस बी, टू ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो इक्वेशन सेकेंड। अब जैसा कि हम इससे पहले भी दो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना जानते हैं बाई एलिमिनेशन मेथड, बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड बाई क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, ओके बेटा, तो हम क्या करेंगे हम क्या करेंगे बेटा, यहां सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करने पर क्या होगा, ये साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, इट मीन्स ए माइनस टू ए, तो आपका माइनस का ए बचेगा, ये प्लस माइनस के आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, और वन माइनस जीरो आपका बेटा वन बचेगा, इट मीन्स यहां से हमें ए की वैल्यू मिल जाती है माइनस वन, ओके, पुट ए इज इक्वल टू वन, ए इज इक्वल टू माइनस वन इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में हमने पुट कर दिया, तो इक्वेशन फर्स्ट में ए की प्लेस पर हमने माइनस वन प्लस बी इज इक्वल टू वन, और यहां से हमें b मिल जाएगा बेटा 1 प्लस 1 इट मीन्स 2, और b हमें मिल जाता है 2, ओके। अब हम क्या करेंगे, नाउ समझना बेटा थोड़ा, अब हम क्या करेंगे, नाउ वी हैव जो आपका ये था इंटीग्रेशन x अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस टू डी एक्स, ओके बेटा, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे इंटीग्रेशन, ए की वैल्यू है आपकी माइनस वन अपॉन, ए की वैल्यू माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, ओके बेटा, इंटू डी एक्स, और बी की वैल्यू है आपकी टू, बी की वैल्यू है आपकी टू, और बी है आपका कॉन्स्टेंट, तो बी आपका आ जाएगा बाहर, और ये आपका डी एक्स अपॉन एक्स प्लस टू, एक्स प्लस टू, ओके बेटा। अब हम क्या करेंगे, दोनों का सेपरेट डिफरेंशिएशन कर देंगे, माइनस आपका बाहर आ जाएगा, और वन अपॉन एक्स माइनस वन आपका होता है लॉग, लॉग एक्स, ओके, इट मींस ये रहेगा आपका लॉग एक्स माइनस वन प्लस टू इंटू, ये फंक्शन रहेगा बेटा आपका लॉग एक्स प्लस टू प्लस सी, ओके। अब क्योंकि माइनस की टर्म पहले है तो माइनस पहले होता नहीं है, हम क्या करेंगे बेटा इसको लिख देंगे टू लॉग एक्स प्लस टू माइनस लॉग मॉड एक्स माइनस वन प्लस सी। आई होप कि बेटा आपकी समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, किस तरह से हमने पहले पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, उसके बाद कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट की हेल्प से हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड की, और इस तरह से हमने उसको टू इंटीग्रेशन में कन्वर्ट किया, और बाद में यहाँ पे एक ही कॉन्सेप्ट लगता है लॉग वाला, एक्स माइनस वन को टी लेट करोगे डी एक्स आपका डी टी हो जाएगा। जिन्होंने बेटा जिनकी समझ में नहीं आ रहा है तो वापिस जा करके हमारी वीडियो जो है एक्सरसाइज 7.1, 7.2, 7.3 और 7.4 को अच्छे से कवर कर लीजिए, उसके बाद ये एक्सरसाइज आपको बहुत इजी लगेगी। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने नए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू। तो क्वेश्चन नंबर टू में हमें दिया हुआ है एक रेशनल फंक्शन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9, ओके, तो हम क्या करेंगे बेटा इस दिए हुए फंक्शन को 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री का स्क्वेयर में ब्रेक किया, तो जो आपका हो जाएगा वन अपॉन एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस थ्री, ओके बेटा, ये फंक्शन हो गया। अब हम क्या करेंगे इस फंक्शन को बाई पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं, लिखते हैं लेट वन अपॉन एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू ए अपॉन एक्स माइनस थ्री प्लस बी अपॉन एक्स प्लस थ्री, ओके बेटा। अब हम क्या करेंगे यहां पर एलसीएम ले लेंगे, तो ये आपका रहेगा एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस थ्री, ओके बेटा, ये वन यहाँ पे है ही इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस थ्री,
तो x माइनस थ्री से x माइनस थ्री कैंसिल, तो a के साथ हमें मिल जाएगा यहाँ बेटा x प्लस थ्री, ओके, प्लस x प्लस थ्री से x प्लस थ्री कट गया, b के साथ आपका x माइनस थ्री रहेगा, ओके बेटा। तो यहां से x माइनस थ्री से x माइनस थ्री कैंसिल आउट, तो हम क्या लिख सकते हैं, a इंटू एक्स प्लस थ्री प्लस बी इंटू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू वन, तो मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, ये आपका हो जाएगा ए एक्स प्लस थ्री ए प्लस बी एक्स माइनस थ्री बी इज इक्वल टू वन। मैंने यहां पे देखा बेटा ये ए एक्स और ये बी एक्स, तो यहां से मुझे ए प्लस बी बेटा एक्स कॉमन मिला, तो ए प्लस बी आ गया, और यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है वो आपकी रहेगी बेटा थ्री इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू वन। अब करते हैं कंपेयरिंग, कंपेयरिंग विद कोफिशियंट ऑफ, कंपेयरिंग विद कोफिशियंट ऑफ एक्स टर्म्स, एक्स वाली टर्म से बेटा कंपेयरिंग हमने की, तो यहां से हमें मिल जाता है, यहां है एक्स का कॉफिशियंट आपका ए प्लस बी इज इक्वल टू, और यहाँ पे एक्स का कोई कॉफिशियंट नहीं है, तो यहाँ वो जीरो काउंट होगा, जो कि आपकी इक्वेशन वन बन जाती है। नाउ कंपेयरिंग विद कॉफिशियंट ऑफ कॉन्स्टेंट टर्म, ऑफ कॉन्स्टेंट टर्म, ओके बेटा, कॉन्स्टेंट टर्म से जब हम कंपेयरिंग करते हैं, तो यहाँ कॉन्स्टेंट टर्म है आपकी थ्री ए प्लस बी, थ्री ए प्लस बी इज इक्वल टू वन, इज इक्वल टू वन, जो कि आपकी इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। अब हमें क्या है बेटा, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, दोनों इक्वेशंस को क्या करना है बेटा, हमें सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, ये जो है बेटा इसको थोड़ा सा ऐसे ही लिखते हैं, यहां हमें कुछ कॉमन नहीं लेना है, ये आपका थ्री ए माइनस थ्री बी, ओके, तो ये रहेगा थ्री ए माइनस थ्री बी इज इक्वल टू वन, ओके बेटा। अब हमें इन यहां से वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, थ्री ए माइनस थ्री बी, थ्री ए माइनस थ्री बी, तो यदि मैं इसको बेटा मल्टीप्लाई कर देता हूं थ्री से, कितने से मल्टीप्लाई करता हूं इसको, मैं थ्री से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये आपका हो जाएगा बेटा थ्री ए प्लस थ्री बी इज इक्वल टू जीरो, ओके, और उसके नीचे है थ्री ए माइनस थ्री बी इज इक्वल टू वन, तो ऐड करने पर हमारी क्या है, ये इक्वेशन कैंसिल हो जाती है, थ्री ए और थ्री ए आपका हो जाता है बेटा सिक्स ए इज इक्वल टू वन, और यहां से हमें बेटा ए की वैल्यू मिलती है वन अपॉन सिक्स, ए की वैल्यू मिल गई वन अपॉन सिक्स। अब हम क्या करेंगे यहां पर बेटा, पुट ए इज इक्वल टू वन अपॉन सिक्स इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में हम वन अपॉन सिक्स पुट कर देते हैं बेटा, तो फर्स्ट इक्वेशन है आपकी वन अपॉन सिक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, और यहां से बी की वैल्यू हमें मिल जाती है वन अपॉन सिक्स, देन ये जो फंक्शन था बेटा आपका वन अपॉन एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस थ्री, उसको मैं लिख सकता हूं वन अपॉन सिक्स, वन अपॉन सिक्स अपॉन एक्स माइनस थ्री, ओके बेटा, और प्लस ये वैल्यू रहेगी आपकी माइनस वन अपॉन सिक्स अपॉन एक्स प्लस थ्री, ओके बेटा। अब हम क्या है, दोनों तरफ क्या कर देंगे, इंटीग्रेट, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, तो ये आपका डीएक्स हो जाएगा, ये आपका डीएक्स हो जाएगा, और ये आपका डीएक्स हो जाएगा, तो ये जो वैल्यू है आपकी वन अपॉन सिक्स बेटा कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन डीएक्स अपॉन एक्स माइनस थ्री माइनस वन अपॉन सिक्स इंटीग्रेशन डीएक्स अपॉन एक्स प्लस थ्री, डीएक्स अपॉन एक्स प्लस थ्री विच इज इक्वल टू वन अपॉन सिक्स, तो बेटा आपका कॉमन है ही, वन अपॉन सिक्स कॉमन है, और डीएक्स अपॉन एक्स माइनस थ्री ये आपका हो जाएगा बेटा लॉग एक्स माइनस थ्री,
log x माइनस थ्री माइनस ये आपका हो जाएगा बेटा log x प्लस थ्री प्लस सी। ओके बेटा विच इज इक्वल टू वन अपॉन सिक्स, इसको हम लिख सकते हैं बेटा log मॉड log m माइनस log n होता है log m अपॉन n, log m अपॉन n यानी कि x माइनस थ्री अपॉन x प्लस थ्री प्लस सी। ओके बेटा आई होप कि आपकी समझ में आया होगा ये क्वेश्चन कितने इजी वे से हमने किए हैं। वैसे ये क्वेश्चन जो है डायरेक्टली हम सम पर्टिकुलर फंक्शन से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो आइए देखते हैं कि किस तरह से हम इस क्वेश्चन को सम पर्टिकुलर फंक्शन से सॉल्व कर सकते थे। बट क्योंकि इस एक्सरसाइज में हमको ये क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन से करना था इसलिए बेटा मैंने पार्शियल फ्रैक्शन से किया है। बट यदि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो पहले हमें ये देखना है कि हम पार्शियल फ्रैक्शन से पहले जो हमने एक्सरसाइज की है यदि ये क्वेश्चन उनमें से बिलोंग करता है तो हम इसको उस तरह से भी कर सकते हैं। तो देखिए बेटा यहां पर वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस नाइन डीएक्स इंटीग्रेशन, यही क्वेश्चन था बेटा। हम इसको लिख सकते हैं डीएक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री का स्क्वेयर। ओके बेटा तो ये आपका सबसे पहला वाला फॉर्मूला बन जाता है एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, जिसका फॉर्मूला है वन अपॉन टू ए, ए क्या है आपका थ्री है, लॉग मॉड एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स प्लस थ्री प्लस सी। ओके बेटा इट मीन्स वन अपॉन सिक्स लॉग मॉड एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स प्लस थ्री प्लस सी। आई होप कि आपकी समझ में आया होगा बेटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, चाहते तो ऐसे कर सकते थे बट क्योंकि एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन है और वहां हमें यूज करनी है पार्शियल फ्रैक्शन, इस वजह से मैंने उसको इस तरह से किया है। आप चेक कर सकते हो दोनों का आंसर सेम है बेटा, वन अपॉन सिक्स लॉग, वन अपॉन सिक्स लॉग एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स प्लस थ्री प्लस सी। आई होप कि आपकी समझ में आया होगा बेटा ये क्वेश्चन। यदि क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो मैं एक बार आपसे फिर कह रहा हूं हमारी पिछली वीडियोज को जाकर के देखिए, जब तक आप पिछली वीडियोज नहीं देखोगे आपको हमारा नया टॉपिक नई वीडियो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री। तो थ्री एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री, तो आपके लीनियर फैक्टर्स हैं बेटा यहाँ पर, तो वही जो मैंने आपको मेथड बताए थे a अपॉन एक ब्रैकेट b अपॉन दूसरा ब्रैकेट एंड c अपॉन तीसरा ब्रैकेट, उस तरह से हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो करते हैं बेटा लेट 3x माइनस वन अपॉन x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री। ओके बेटा तो किस तरह से हम इसको ब्रेक करते हैं, a अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी अपॉन एक्स माइनस टू प्लस सी अपॉन एक्स माइनस थ्री। ओके बेटा यदि एक फैक्टर और होता तो डी अपॉन एक्स माइनस जो ब्रैकेट है वो आपका आ जाता, तो यहाँ पे आपका बेटा ये थ्री एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू और एक्स माइनस थ्री रहेगा इज इक्वल टू, यहाँ भी आपका क्या रहेगा बेटा एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू और x माइनस थ्री, आपने एलसीएम ले लिया इन तीनों से तो x माइनस वन से x माइनस वन कट गया तो a के साथ आपका आ जाएगा बेटा x माइनस टू और x माइनस थ्री। ओके प्लस b के साथ आपका आ जाएगा x माइनस टू कट गया आपका x माइनस वन और x माइनस थ्री। ओके बेटा प्लस c के साथ आपका आ जाएगा x माइनस थ्री कट हो जाएगा इट मीन्स x माइनस वन और x माइनस टू। ओके बेटा तो यहाँ आपके ये डेनोमिनेटर से डेनोमिनेटर कैंसिल हुआ इट मींस आपको ये मिल जाएगा a इनटू साथ के साथ बेटा मैं मल्टीप्लाई करता हूं x स्क्वायर और ये आपका रहेगा बेटा माइनस थ्री एक्स और माइनस टू एक्स इट मींस माइनस का फाइव एक्स रहेगा और थ्री टू जा सिक्स। ओके बेटा प्लस b के साथ आपको जो मिलने जा रहा है वो एक्स स्क्वेयर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस एक्स इट मीन्स माइनस का फोर एक्स प्लस थ्री प्लस सी इन प्लस सी के साथ आपको मिलेगा बेटा एक्स स्क्वायर
माइनस टू एक्स और माइनस एक्स, इट मीन्स माइनस थ्री एक्स प्लस टू इज इक्वल टू बेटा थ्री एक्स माइनस वन। ओके, थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, ये आपका हो जाएगा ए एक्स स्क्वेयर माइनस फाइव ए एक्स प्लस सिक्स ए प्लस बी एक्स स्क्वेयर माइनस फोर बी एक्स प्लस थ्री बी प्लस सी एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री सी एक्स प्लस टू सी इज इक्वल टू थ्री एक्स माइनस वन। ओके बेटा, अब यहां से हमने देखा कि हमारे पास देखो एक्स स्क्वेयर और एक्स स्क्वेयर की ये तीन टर्म्स हैं, तो हम क्या करेंगे बेटा ए प्लस बी प्लस सी और यहां से एक्स स्क्वेयर आ गया कॉमन। इसी तरह से बेटा आप ए एक्स वाली टर्म्स देखिए, ये तीन टर्म्स आपके पास एक्स प्लस वाली हैं, तो इनको मैं लिख सकता हूं बेटा, इनको मैं लिख सकता हूं माइनस, मैंने कॉमन लिया माइनस कॉमन लिया तो बेटा ये हमें मिल जाएगा फाइव ए फाइव ए और ये आपका प्लस का फोर बी और ये आपको मिलेगा बेटा प्लस का थ्री सी, फोर बी प्लस का थ्री सी और यहाँ पे एक्स आपको मिलेगा और कांस्टेंट टर्म आपको जो मिलने जा रही है वो है बेटा सिक्स ए प्लस थ्री बी प्लस टू सी इज इक्वल टू थ्री एक्स माइनस वन। ओके बेटा, अब हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशियंट ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट टर्म की। एबीसी की वैल्यू निकालने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, कंपेयरिंग विद कोफिशियंट कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर टर्म्स, एक्स स्क्वायर टर्म्स की जब हम कंपेयरिंग करेंगे तो यहाँ पे बेटा एक्स स्क्वायर की जो टर्म्स है वो है आपकी ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, और यहाँ देखें राइट हैंड साइड में तो एक्स स्क्वायर की कोई टर्म नहीं है तो ये बेटा आपकी जीरो हो जाएगी, ये आपको मिल जाती है एनी इक्वेशन फर्स्ट। ओके, अब हम करते हैं जी कंपेयरिंग विद कोफिशिएंट ऑफ एक्स टर्म्स, एक्स वाली टर्म्स की जब हम कंपेयरिंग करते हैं तो यहां से बेटा हमें एक्स स्क्वायर की जो वो है वो मिलती है माइनस फाइव ए माइनस फोर बी, या आप एक काम कीजिए बेटा इसको ऐसे ही लिखिए, तो ये आपका फाइव ए प्लस फोर बी प्लस थ्री सी इज इक्वल टू, ये जो माइनस का साइन है हम राइट हैंड साइड में ले जाते हैं तो हमें मिलता है माइनस थ्री, क्या मिलता है बेटा माइनस थ्री, एन इक्वेशन सेकेंड। उसके बाद बात करें कंपेयरिंग विद कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स नहीं बेटा कांस्टेंट टर्म, ऑफ कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म में आपको मिलने जा रहा है सिक्स ए प्लस थ्री बी प्लस टू सी इज इक्वल टू माइनस वन, इज इक्वल टू माइनस वन एनी इक्वेशन थर्ड। ओके बेटा, हमारे पास यहाँ पे तीन इक्वेशंस आ गई हैं एबीसी में, अब हमारा मेन टारगेट क्या है कि इनको एलिमिनेशन मेथड है या सब्स्टिट्यूशन मेथड है उस मेथड को यूज करके हमें ये टू वेरिएबल बनाना है, यहाँ पे ये लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स है, तो देखते हैं जी किस तरह से सॉल्व करते हैं हम इस तरह की क्वेश्चन को। जो हमारी इक्वेशंस हैं बेटा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ओके, तो मैं क्या करूंगा यहां पर a की वैल्यू पुट a इज इक्वल टू, आप इस इक्वेशन को देखिए इक्वेशन फर्स्ट को a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ओके, तो मैं a की वैल्यू क्या करता हूं बेटा, या मैं क्या करता हूं बेटा, यहां a की जो वैल्यू है वो हो जाएगी माइनस बी माइनस सी, ए इज इक्वल टू माइनस बी और माइनस सी। ओके बेटा, ए इज इक्वल टू माइनस बी माइनस सी पुट इन, पुट तो ऑलरेडी लिख चुका है बेटा, माइनस बी माइनस सी इन इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड।
सेकंड और थर्ड इक्वेशन में जब हम ए के प्लेस पर माइनस बी माइनस सी पुट करते हैं तो बेटा ये हो जाएगा आपका माइनस का 5b माइनस 5c। ओके बेटा ए के प्लेस पर आ गया ये प्लस 4b प्लस 4b प्लस 3c प्लस 3c इज इक्वल टू माइनस 3। ओके इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस का 5b और प्लस का 4b तो आपको माइनस का b मिलेगा बेटा, माइनस के 5c और 3c तो माइनस का आपको 2c मिलेगा इज इक्वल टू माइनस 3। एनी इक्वेशन 4 आपको मिल जाती है। ओके अब क्या करेंगे यहाँ पे 6a के प्लेस पर, यहां मैंने क्या किया बेटा माइनस 6b माइनस 6b और ये आपका माइनस का 6c प्लस 3b प्लस 3b प्लस 2c इज इक्वल टू माइनस 1। इसको सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करने पर ये आपको मिलेगा माइनस का 3b माइनस 3b बेटा माइनस 6b प्लस 3b तो माइनस 3b आपको मिल गया और ये आपका माइनस 6b प्लस 2c तो ये आपका माइनस का 4c इज इक्वल टू माइनस 1 मिला। एनी इक्वेशन 5। अब ये इक्वेशंस आपकी जो थी इक्वेशन थर्ड एंड सेकंड एंड थर्ड ये पहले थी लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल, हमने एक ही वैल्यू पुट करके इन इक्वेशंस को कन्वर्ट कर दिया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में। अब हम क्या करेंगे बेटा इन दो इक्वेशंस से बी और सी की वैल्यू फाइंड करेंगे और उसके बाद वो वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे ए वाली वैल्यू में। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा बेटा, हम कर देते हैं इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2, फोर्थ इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं तो ये माइनस का 2b माइनस 2b और ये आपका रहेगा बेटा प्लस माइनस का 4c इज इक्वल टू माइनस का 3 2 6। एनी इक्वेशन 6 ये एक नई इक्वेशन बन जाती है बेटा। अब हम क्या करेंगे ऐड कर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करने पर ये आपका साइन प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ओके प्लस करने पर ये 4c से 4c कट हो गया तो माइनस का 3b है प्लस का 2b है, इट मीन्स यहाँ से हमें माइनस b इज इक्वल टू मिल जाता है 6 में से बन जाएगा तो बेटा आपका 5। ओके इट दिस इम्प्लाइज यहाँ से हमें b मिल गया जी माइनस 5। ओके बेटा बी की वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करेंगे ये बी की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करते हैं, इस वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो ये आपका माइनस है और ये माइनस है तो आपको प्लस 5 मिल जाता है माइनस 2c इज इक्वल टू माइनस 3। ओके तो आपका क्या रहेगा बेटा ये माइनस 2c इज इक्वल टू माइनस 3 और माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 8 हो गया। तो बेटा माइनस से माइनस कैंसिल और 2 से आपका ये 4 टाइम्स तो सी आपको मिल गया 4, सी आपको 4 मिल गया। अब क्या करेंगे बी और सी की वैल्यू पुट कर दो ए में, देन ए इज इक्वल टू माइनस बी माइनस बी तो बी आपका माइनस 5 तो बेटा प्लस 5 हो जाएगा और माइनस का सी माइनस सी है आपका 4 तो यहां से हमें ए मिल जाएगा 1। अब इस तरह से बेटा हमने ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर ली है, ए है आपका 1 आपको a मिल गया 1, b मिल गया आपको बेटा माइनस 5 और c मिल गया आपको 4। ओके a मिल गया b मिल गया c मिल गया। ओके अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे देखिए बेटा ये जो फंक्शन था आपका, न्यू पेज लेना पड़ेगा बेटा इसके लिए। फैक्टर से x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 तो उस फंक्शन को बेटा हम इस तरह से कर सकते हैं इंटीग्रेशन, a क्या है आपका 1 अपॉन x माइनस a dx, b है आपका माइनस 5 हमने बाहर ले लिया और ये आपका रहेगा बेटा dx अपॉन एक्स माइनस 2 और सी है आपका 4 इंटीग्रेशन
dx अपॉन x माइनस थ्री। ओके बेटा, अब हम क्या करेंगे, ये i1 i2 i3, तो वैसे तो हमें डायरेक्टली पता है ये आपका 1 अपॉन t dt बनेगा, x माइनस वन पुट करेंगे, बट हम यहां पर इसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, ये आपका रहेगा log mod x माइनस वन माइनस फाइव log mod x माइनस टू प्लस फोर log mod x माइनस थ्री। ओके बेटा, प्लस एक आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट रहेगा c। और इस तरह से बेटा हमने इस क्वेश्चन का आंसर किया, ये था आपका क्वेश्चन नंबर थ्री, काफी लेंथी क्वेश्चन था, तो आपने समझा कि किस तरह से पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से हम किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं। आइए देखते हैं हम अपने नए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर बेटा सेम क्वेश्चन है, x अपॉन x माइनस वन x माइनस टू x माइनस थ्री। तो बस मैं आपको इसमें हिंट दिए देता हूं आपको क्या करना है, a अपॉन x माइनस वन प्लस b अपॉन x माइनस टू और प्लस c अपॉन x माइनस थ्री। ओके बेटा, यहां से एलसीएम लेकर के आपके x के साथ आ जाएगा x माइनस टू x माइनस थ्री, b के साथ आ जाएगा x माइनस वन x माइनस थ्री और c के साथ आ जाएगा x माइनस वन x माइनस टू। उसके बाद उसको थोड़ा सा सॉल्व करके आप कंपेयरिंग द कॉफिशियंट ऑफ x स्क्वायर, कंपेयरिंग द कॉफिशियंट ऑफ x, कंपेयरिंग द कॉफिशियंट ऑफ कॉन्स्टेंट टर्म, इस तरह से बेटा आपके पास लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स आ जाएगी, जहां से आप एक इजी इक्वेशन से a की b या c की किसी एक की वैल्यू निकाल करके बाकी की जो सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन आएंगी उनमें पुट कर देना और वो आपकी बन जाएंगी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उसके बाद उनको आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके b और c की वैल्यू फाइंड कर लेना, उसके बाद b और c की वैल्यू को आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट करके बेटा a की वैल्यू फाइंड कर लेना, उसके बाद आपका जो फंक्शन है आपको क्या करना है बेटा दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देना है, दोनों तरफ क्या कर देना है बेटा इंटीग्रेशन कर देना है, तो उस इंटीग्रेशन से क्या होगा ये आपके लॉग फंक्शंस बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे बेटा log x माइनस वन log x माइनस टू log x माइनस थ्री, बस डिपेंड करेगा आपकी कॉन्स्टेंट क्वांटिटी ए बी सी के ऊपर डिपेंड। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपने नए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव है 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो पहले तो आप ये देखिए कि बेटा ये जो क्वेश्चन है आपका ये फैक्टर्स में नहीं है, तो हम क्या करें यहाँ पे इसके फैक्टर्स कर सकते हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूं 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के आप फैक्टर्स कर लीजिए, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के आप फैक्टर्स करेंगे तो x स्क्वायर 2 के ऐसे फैक्टर जो ऐड होकर के 3 आए तो 2 वन जा 2 इट मींस 2x प्लस x प्लस 2। ओके बेटा, यहां से फैक्टर आते हैं आपके x प्लस 2 प्लस 1 और आपका x प्लस 2 इट मींस x प्लस 1 और x प्लस 2। ओके बेटा, तो मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया x प्लस 1 और x प्लस 2 में। ओके, अब हम क्या करेंगे लेट 2x अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 2। ओके बेटा, एलसीएम लेंगे दोनों तरफ, एलसीएम लेने के बाद क्या होगा यहां तो आपका 2x रहेगा और a के साथ आपका आ जाएगा x प्लस 2। इससे पहले बेटा स्टेप देख लेना, मैं इसमें ये वाला स्टेप नहीं कर रहा हूं क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है इन क्वेश्चंस में, और b के साथ आपका आ जाएगा x प्लस 1। ओके, इज इक्वल टू 2x। इसको थोड़ा सा सॉल्व हमने किया तो ये आपका ए एक्स प्लस 2a प्लस बी एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 2x। तो यहां से हमने देखा बेटा x वाली टर्म ये है तो यहां से हमें a प्लस बी मिल जाता है और x आ जाता है कॉमन, प्लस ये आपका 2a प्लस बी, 2a प्लस बी आपका कांस्टेंट है, ये आपको 2x है। तो यहां हम बेटा a और b की वैल्यू निकालने के लिए कंपेयरिंग ऑफ कॉफिशियंट करेंगे, कंपेयरिंग विद कॉफिशियंट
ऑफ एक्स स्क्वेयर एक्स टर्म्स, यहाँ पे एक्स स्क्वेयर नहीं है तो बेटा एक्स टर्म से क्या होगा, ये रहेगा आपका यहाँ पे एक्स वाली टर्म है ए प्लस बी, एक्स वाली टर्म है ए प्लस बी और यहाँ पे बेटा एक्स का कोफिशियंट है टू, एनी इक्वेशन फर्स्ट आपकी बन जाती है। नेक्स्ट कंपेयरिंग विद कोफिशियंट ऑफ कॉन्स्टेंट टर्म, ऑफ कॉन्स्टेंट टर्म, तो यहाँ कॉन्स्टेंट टर्म है टू ए प्लस बी, टू ए प्लस बी और यहाँ कॉन्स्टेंट टर्म है जीरो, ओके बेटा। अब यहां से हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए माइनस माइनस और माइनस, सब्ट्रैक्ट करने पर बेटा ये कैंसिल आउट हो गया और ये ए प्लस है माइनस टू ए, इट मीन्स माइनस ए इज इक्वल टू टू और यहां से हमें बेटा ए की वैल्यू मिल जाती है माइनस टू, ए हमें मिल गया माइनस टू। अब हम क्या करेंगे बेटा, पुट a इज इक्वल टू माइनस टू इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट तो a की वैल्यू हमने माइनस टू पुट की प्लस b इज इक्वल टू टू, तो यहां से b हमें मिल जाता है टू प्लस टू, इट मीन्स b की वैल्यू हो जाती है बेटा फोर। अब हमें a मिल गया और b मिल गया, ओके अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम क्या करेंगे बेटा, ये जो फंक्शन है यहां पे a और b की वैल्यू पुट कर देंगे तो हम लिख सकते हैं 2x अपॉन x x प्लस वन और x प्लस टू इज इक्वल टू, a की वैल्यू है बेटा आपकी माइनस टू, a की वैल्यू है आपकी माइनस टू अपॉन x प्लस वन प्लस b की वैल्यू है आपकी फोर अपॉन x प्लस टू, ठीक है। लिखेंगे इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हमने क्या किया जी, इंटीग्रेशन कर दिया, इट मींस ये इसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन डीएक्स डीएक्स और ये आपका डीएक्स, तो क्या होगा बेटा माइनस टू तो आपका बाहर है, इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस वन प्लस फोर आपका बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस टू, ओके बेटा। तो पहले मैं पॉजिटिव टर्म का इंटीग्रेशन कर देता हूं, जो आपका आएगा फोर log x प्लस टू माइनस टू log मॉड x प्लस वन प्लस सी, ओके बेटा। ये है सिंपल तरीका इन क्वेश्चंस को करने का, कि हमें दिए गए फंक्शंस को पार्शियल फ्रैक्शंस है ए बी सी में ब्रेक करना है, उसके बाद ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके बाद आपका दिया हुआ फंक्शन दो या दो से अधिक फंक्शंस में ब्रेक हो जाएगा और वहां पे सिंपली एक ही फॉर्मूला लग रहा है लॉग वाला फंक्शन। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ, कहां बेटा क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ, तो हम देखते हैं वन माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन एक्स, तो हमने यहां पे देखा बेटा रैंक ऑफ न्यूमिरेटर, रैंक ऑफ न्यूमिरेटर भी क्या है टू अपॉन रैंक ऑफ डेनोमिनेटर, रैंक ऑफ डेनोमिनेटर यहां भी बेटा वन एंड वन आपकी टू है, तो ये तो आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन या प्रॉपर रेशनल नंबर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने के लिए न्यूमिरेटर को डिवाइड कर देंगे डेनोमिनेटर से, तो हम क्या करेंगे, गिवन फंक्शन इज नोट ए प्रॉपर फ्रैक्शन, ए प्रॉपर रेशनल फंक्शन, प्रॉपर रेशनल फंक्शन सो डिवाइड एनआर बाई डीआर, एनआर को डीआर से डिवाइड कर देंगे बेटा, इट मीन्स तो ये डिवाइड मैं आपको सिखाता हूं रफ पेज पर जा करके,
वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन माइनस एक्स स्क्वायर नहीं बेटा, वन माइनस एक्स स्क्वायर को डिवाइड कर देंगे हम, वन माइनस एक्स स्क्वायर को डिवाइड कर देंगे एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर से, एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड कर देंगे बेटा, एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है इस एक्स को यहां से हटाने का, यानी कि कैसे हमारी ये टर्म कैंसिल हो जाए। तो ये टर्म कैंसिल होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, इस फंक्शन को वन अपॉन टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस फंक्शन को कितने से मल्टीप्लाई करना है बेटा, वन अपॉन टू से। तो वन अपॉन टू से मल्टीप्लाई किया तो ये आपका एक्स बाई टू हो जाएगा, एक्स बाई टू, ये आपका माइनस रहेगा, टू से टू कैंसिल हो जाएगा और ये आपका एक्स स्क्वायर। ओके, अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे माइनस और ये आपका हो जाएगा प्लस, और इस तरह से प्लस माइनस के कैंसिल हो गए। अब आपका क्या बचा यहाँ पर, ये माइनस का एक्स बाई टू और बेटा प्लस का वन, माइनस एक्स बाई टू प्लस वन। ओके, तो हम इसका मतलब ये जो फंक्शन था आपका वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं बेटा वन बाई टू प्लस वन माइनस एक्स बाई टू अपॉन एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये वर्क जो मैंने किया है बेटा कुछ ऐसे किया है, अगर मैं थ्री अपॉन फोर को डिवाइड करता हूं या सेवन अपॉन फोर को डिवाइड करता हूं, मैं सेवन अपॉन फोर को डिवाइड करता हूं, किसको बेटा, सेवन अपॉन फोर को अगर मैं डिवाइड करूं तो क्या करेंगे बेटा, सेवन को डिवाइड करेंगे फोर से और फोर बन जा फोर थ्री आपका कैरी, तो ये आपका वन एंड वन प्लस थ्री अपॉन फोर, जैसे हम मिक्स फ्रैक्शन में करते हैं। तो हमने इस तरह से इसको ब्रेक कर दिया। तो अब इस फंक्शन को मैं लिखने जा रहा हूं बेटा वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू वन माइनस टू एक्स इज इक्वल टू, मैं लिख दूंगा बेटा वन बाई टू प्लस वन बाई टू प्लस वन माइनस एक्स बाई टू, वन माइनस एक्स बाई टू और अपॉन में आपका रहेगा बेटा एक्स इंटू वन माइनस टू एक्स। ओके, आई होप कि बेटा आपकी समझ में आया होगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो करना है बेटा इसको कुछ इस तरह से करेंगे कि ये आपका हो जाएगा फंक्शन, इंटीग्रेट करेंगे बेटा, अब क्या कर देंगे, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। तो ये डीएक्स इस पे इंटीग्रेशन, ठीक है, और ये आपका बेटा डीएक्स, ये आपका डीएक्स। तो इसको और थोड़ा सा ब्रेकआउट करते हैं, तो इंटीग्रेशन वन बाई टू आपका बाहर रहेगा बेटा डीएक्स प्लस इंटीग्रेशन, इसको मैं थोड़ा सा ठीक करूं तो ये आपका हो जाएगा टू माइनस एक्स, क्या हो जाएगा बेटा टू माइनस एक्स अपॉन नीचे आपका टू रहेगा टू एक्स इंटू वन माइनस टू एक्स डीएक्स। ओके बेटा, तो इसका इंटीग्रेशन तो आपका हो जाएगा, इसको मैं ब्रेक कर देता हूं वन अपॉन टू आई वन प्लस इंटीग्रेशन आई टू, ये हो गया आपका आई टू। अब देखते हैं आई टू, देन आई टू, आई टू को सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, आई टू है आपका इंटीग्रेशन टू माइनस एक्स अपॉन टू एक्स इंटू वन माइनस टू एक्स डीएक्स। ओके बेटा, अब इस फंक्शन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टू माइनस एक्स अपॉन टू एक्स इंटू वन माइनस टू एक्स। ओके बेटा, वन माइनस टू एक्स विच इज इक्वल टू आपको क्या करना है, ये आपका ए अपॉन टू एक्स रहेगा, ए अपॉन टू एक्स प्लस b
बी अपॉन वन माइनस टू एक्स, बी अपॉन वन माइनस टू एक्स। अब आपको क्या करना है बेटा, यहाँ एलसीएम लेकर के फिर वही काम करना है, ये एलसीएम आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां आपका रहेगा 2x से 2x कैंसिल और a के साथ आपका आ जाएगा बेटा 1 माइनस 2x, 1 माइनस 2x प्लस 2bx हो जाएगा, प्लस 2bx हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 2 माइनस x, 2 माइनस x। ओके बेटा, ये आपका a, a के साथ आ जाएगा a माइनस 2ax प्लस 2bx इज इक्वल टू 2 माइनस x। ओके, तो यहां से आपका a माइनस मैंने कॉमन लिया, माइनस और माइनस जब मैंने कॉमन लिया बेटा, माइनस कॉमन लेने के बाद क्या होगा, ये आपका माइनस कॉमन 2a माइनस 2b इंटू एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स। ओके, अब हमें क्या करना है बेटा, कॉफिशियंट्स की कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग कॉफिशियंट ऑफ, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स टर्म्स। तो एक्स टर्म की जो कोफिशिएंट है वो आपकी हो जाएगी बेटा माइनस टू ए प्लस टू बी इज इक्वल टू माइनस वन, एनी इक्वेशन फर्स्ट। अब हम करेंगे कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म, और यहां से हमें बेटा ए मिल जाता है, ए की वैल्यू हमें मिल जाएगी जी टू, ए हमें मिल गया टू। अब a की वैल्यू पुट कर दीजिए यहां पर, तो ये आपका माइनस का 2 2 जा 4 प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस वन। ओके बेटा, ये आपका 2b इज इक्वल टू माइनस वन और ये आपका प्लस का 4, और यहां से हमें बेटा जो b मिल जाएगा वो मिल जाएगा 3 अपॉन 2। हमें a की वैल्यू मिल गई बेटा, b की वैल्यू मिल गई, उसके बाद आपका वही क्वेश्चन बन जाता है कि आप इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर दोगे और ये आपका बेटा लॉग में जाकर के बन जाएगा, और इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बेटा इस तरह से हमने इस एक्सरसाइज के 6 क्वेश्चन कंप्लीट किए। आगे देखते हैं हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन। ये एक अलग टाइप का, एक नए मेथड का क्वेश्चन आगे स्टार्ट हो जाता है, जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में समझाया था। तो हम क्या करेंगे बेटा इस क्वेश्चन में, लेट करते हैं, लेट x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू, अब क्योंकि बेटा यहाँ पे क्वाड्रेटिक फैक्टर पहले आया हुआ है तो हम इसको ए एक्स प्लस बी लिखेंगे अपॉन आपका एक्स स्क्वायर प्लस वन। ओके बेटा, प्लस सी अपॉन एक्स माइनस वन, सी अपॉन एक्स माइनस वन। यहां हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने पर क्या होगा, ए एक्स प्लस बी के साथ आ जाएगा आपका एक्स माइनस वन, ए एक्स प्लस बी के साथ आपका फैक्टर्स आएगा एक्स माइनस वन, प्लस सी के साथ फैक्टर आएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू एक्स। ओके बेटा, एक ये डेनोमिनेटर से डेनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। अब हम इसे देखते हैं, तो ये आपका ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी एक्स और माइनस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू एक्स। थोड़ा सा और देखते हैं बेटा, एक्स स्क्वायर वाली दो टर्म्स हैं, तो यहां से आपका ए प्लस सी आ जाता है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे कॉमन। ओके, अब यहां अगर हम देखते हैं तो यहां बेटा माइनस हमने कॉमन लिया, तो यहां पे आपका ए माइनस बी, ए माइनस बी इंटू एक्स माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू एक्स। अब ए बी सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारा वो ही मेथड, कंपेयरिंग विद, कंपेयरिंग विद कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर टर्म्स, जो कि हो जाएगी बेटा एक्स स्क्वायर टर्म में आपकी ए प्लस सी, ए प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, एनी इक्वेशन फर्स्ट। ओके, कंपेयरिंग विद कोफिशिएंट ऑफ एक्स टर्म्स, तो एक्स की टर्म में आपकी माइनस ए प्लस बी, माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू वन।
इक्वेशन सेकंड। अब करते हैं बेटा कंपेयरिंग विद कोफिशियंट ऑफ कांस्टेंट टर्म, कोफिशियंट ऑफ कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म आपकी हो जाएगी माइनस बी प्लस सी, माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, एनी इक्वेशन थर्ड। अब ए बी सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, हम क्या करें कि यहां जो ये है आपका बी, बी यहां से हम क्या करते हैं बेटा, यहां से नहीं यहां से करते हैं इन दोनों को इसी एक इक्वेशन से, यहां से हमें बी की वैल्यू सी मिल जाएगी, या यहां से हमें सी मिल गया जी इज इक्वल टू बी, सी इज इक्वल टू बी। ओके, अब ये सी इज इक्वल टू बी हम पुट कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, पुट सी इज इक्वल टू बी इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके बेटा, इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में जब हमने ये पुट किया तो हमें मिल गया ए प्लस बी, ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। तो ये आपकी कोई इक्वेशन फोर बन गई। इसके नीचे हमने इक्वेशन सेकंड लिखा जो है माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू वन, और ऐड करने पर ये आपस में कैंसिल आउट हो गए, बी और बी आपका हो जाता है टू बी, बी और बी हो जाता है टू बी इज इक्वल टू वन, और बी इज इक्वल टू आ गया वन बाई टू, और यही वैल्यू है आपकी सी की, बी और सी हमें मिल गया वन बाई टू, बी और सी मिल गया वन बाई टू। अब हम क्या करेंगे बेटा, ए की वैल्यू निकालने के लिए, ए की वैल्यू निकालने के लिए पुट सी इज इक्वल टू वन बाई टू इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ये आपका ए इज इक्वल टू हमें मिल गया माइनस वन बाई टू। ओके बेटा, ए हमें मिल जाता है वन बाई टू माइनस का। तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, ये जो आपका फंक्शन था एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, इसको जो ब्रेक करेंगे हम माइनस का वन बाई टू, माइनस वन बाई टू इंटू एक्स, माइनस वन बाई टू इंटू एक्स प्लस बी, बी कितना है आपका वन बाई टू अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वन रहेगा, प्लस वन बाई टू, और ये आपका x माइनस वन। ओके बेटा, अब हम क्या करेंगे इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम इंटीग्रेशन कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा यहां पर इंटीग्रेशन x dx अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन टू, माइनस वन अपॉइंट टू है बेटा यहाँ पर कॉमन, माइनस वन अपॉइंट टू है कॉमन, तो माइनस का वन अपॉइंट टू मैंने बाहर निकाल दिया इंटीग्रेशन, और यहाँ हमें मिल गया माइनस का एक्स, नहीं प्लस का एक्स मिलेगा बेटा, अब हमें यहाँ मिलेगा एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वन डी एक्स, और प्लस यहाँ पे वन अपॉइंट टू मैंने बाहर निकाल दिया इंटीग्रेशन, ये आपका बेटा dx अपॉन x माइनस वन। ओके, आई होप कि आपकी समझ में आया होगा। अब आपका ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है बेटा, ये आपका फंक्शन बन जाता है वापिस एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बन जाता है वापिस जाकर के एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन, जहां हमने इसको किस तरह से सॉल्व किया था समझते हैं बेटा। x माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस वन या प्लस वन देख लेते हैं, x माइनस वन एक्स स्क्वेयर प्लस वन। ओके, इसका जब हम बेटा इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या है, लेट x माइनस वन इज इक्वल टू a इंटू डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वेयर प्लस वन प्लस बी की फॉर्म में लिखना होगा। आया बेटा कुछ याद कि किस तरह से हम इस क्वेश्चन में ए बी की वैल्यू निकालेंगे, x माइनस वन इज इक्वल टू ए के साथ आपका 2x प्लस बी रहेगा, कंपेयरिंग करेंगे यहां से
कंपेयरिंग ऑफ एक्स, तो ये आपका 2a इज इक्वल टू 1, यहां से a आपको मिल गया 1 बाई 2 और b इज इक्वल टू मिल जाता है माइनस 1। तो ये जो फंक्शन है बेटा ये आपका कुछ ऐसा बनेगा 1 बाई 2 इंटू 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 dx माइनस इंटीग्रेशन dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा बेटा 1 अपॉन 2 log fx, क्या बन जाएगा बेटा 1 अपॉन 2 log fx माइनस इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये बन जाएगा आपका tan इनवर्स, क्या बन जाएगा बेटा tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। ओके, आई होप कि आपने समझा होगा उस पार्ट को कि किस तरह से हमने एक्सरसाइज 7.4 में ऐसे 4-5-6 क्वेश्चन किए थे। तो वापस लिखते हैं इस वैल्यू को, विच इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2, माइनस 1 अपॉन 2 और ये 1 अपॉन 2 इंटू, ये रहेगा बेटा इंटू 1 अपॉन 2 लॉग मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस टेन इनवर्स माइनस, तो ये 1 अपॉन 2 बेटा यहां भी आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन 2 टेन इनवर्स एक्स, और एक्स क्या है अपने आप में बेटा, हाँ बिल्कुल ठीक है, टेन इनवर्स एक्स प्लस, यदि बात करें इसकी तो ये आपका आ जाएगा 1 बाई 2 लॉग एक्स माइनस 1, 1 बाई 2 लॉग एक्स माइनस 1 प्लस सी। थोड़ा सा और ठीक करते हैं, प्लस वाली टर्म को बेटा पहले लिखते हैं, तो ये आपका 1 बाई 2 टेन इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन 4 लॉग मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 बाई 2 लॉग एक्स माइनस 1 प्लस सी प्लस सी। आई होप कि बेटा आपकी समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, काफी लेंदी लेंदी क्वेश्चन है लेकिन है बहुत सिंपल बेटा, है बहुत सिंपल कि किस तरह से हम किसी पार्शियल फ्रैक्शंस के क्वेश्चन को एबीसी में ब्रेक करके एबीसी की वैल्यू फाइंड करते हैं, फिर वहां पे हम इंटीग्रेशन करते हैं, फिर देखते हैं कि इंटीग्रेशन किसी लास्ट एक्सरसाइज का तो नहीं है, नहीं है तो वहां पे हम टी पुट करके इस एक्सरसाइज में आंसर फाइंड कर देते हैं। आई होप कि बेटा आपकी समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन, काफी लेंदी क्वेश्चन है और काफी बड़ी वीडियो ये बन गई है, तो हम इसी क्वेश्चन पर एंड करते हैं और बहुत जल्द लेकर के आएंगे हम अपनी एक्सरसाइज 7.5 का पार्ट 2, 7.5 का पार्ट 2 हम लेकर के आएंगे बेटा। ये थी एक्सरसाइज 7.5 पार्ट 1, तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल O2N डिजिटल एजुकेशन पर, हमारे चैनल को बेटा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू बेटा।